नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका गुप्ता हूँ। मैं मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में पेट, आंत, लिवर, अग्नाशय व दूरबीन विशेषज्ञ सर्जन हूँ। मैं कई ऑपरेशन पेट, आंत, लिवर के ही करती हूँ और इसी के बारे में विशेषज्ञता रखती हूँ। पेट, आंत, लिवर, अग्नाशय और बड़ी छोटी आंत के कैंसर होना आजकल हम देखते हैं कि कई केसेस में आता है। ये ट्यूमर्स समय के साथ आधुनिक समय में बड़े हैं और इनके लिए जांच करने की पद्धति बड़ी है, इसलिए शायद ये केसेस ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। और इनका इलाज करने के लिए एक विशेष तरह की एक्सपीरियंस्ड टीम, एक्सपीरियंस्ड ऑन्कोलॉजी टीम की ज़रूरत होती है, प्लस मशीनें भी हमारे पास सारी उपलब्ध होनी चाहिए। मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में गेस्ट्रो इंटेस्टिनल सर्जरी डिपार्टमेंट इन सब सुविधाओं से युक्त है और हमारे पास एक ही छत के नीचे ऑन्कोलॉजी टीम, रेडियोथेरेपी टीम, आधुनिक क्लिनिक मशीन सब अवेलेबल है। ऑपरेशन द्वारा ट्यूमर का सफलतम इलाज किया जा सकता है। कुछ ट्यूमर तो सिंपल ट्यूमर होते हैं जो कैंसर भी नहीं होते, लेकिन मरीज़ ये भ्रांति बना लेता है कि मुझे ट्यूमर हो गया है, मुझे कैंसर हो गया है। हर ट्यूमर जानलेवा या ख़तरनाक नहीं होता। सबसे पहले उसकी जाँच सीटी स्कैन, सोनोग्राफी व बायोप्सी द्वारा की जाती है। कुछ विशेषज्ञ कुछ ट्यूमर्स में बायोप्सी मना भी करते हैं, जैसे गॉलब्लैडर कैंसर में बायोप्सी नहीं की जाती। इसके लिए आपको सही सलाह मिलना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता कि बायोप्सी करने पर ट्यूमर बढ़ता है, ऐसा भी नहीं होता कि इलाज करने पर ट्यूमर बढ़ता है। स्टेज फोर और स्टेज थ्री के लेट ट्यूमर्स में कई बार ऑपरेशन संभव नहीं होता और वो बढ़ते हैं, लेकिन जो अर्ली स्टेज ट्यूमर्स हैं उनका सफलतम इलाज संभव है। अर्ली स्टेज ट्यूमर्स में हमारे कई मरीज तो 7-8 साल भी जीवित रहे हैं, फॉलो अप पे वो ट्यूमर फ्री रहे हैं, जिसको हम पेट सिटी द्वारा सिद्ध करते हैं कि ट्यूमर अब नहीं है। इस तरह के मरीज अपना सफल जीवन जी रहे हैं। कैंसर जो आंतों के होते हैं उनकी एक विशेष पद्धति से सर्जरी की जाती है। जब भी यह कैंसर का डायग्नोसिस ऐसे हो जाता है कि ये अब हम ऑपरेट कर सकते हैं, ऑपरेशन द्वारा इसे निकाल सकते हैं, उसके बाद उसके सीटी स्कैन के आधार पर उसके बारे में एक टीम डिस्कस करती है। वो टीम जिसमें सर्जिकल एज वेल एज मेडिकल टीम होती है, हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हाँ ये ऑपरेशन किया जा सकता है। उसके बाद जब ऑपरेशन किया जाता है तो विशेषज्ञ एनेस्थेटिस्ट यानी बेहोशी वाले डॉक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं और उस मरीज का सफलतम ऑपरेशन करने के लिए ट्यूमर अथवा तथा उसके चारों तरफ के लिम्फ नोड्स और कुछ टिश्यू निकाला जाता है। अगर ये ऑपरेशन एक्सपीरियंस टीम करती है और ऑपरेशन की पद्धति पूरी फॉलो की गई है तो इसका सफल इलाज हो सकता है और ट्यूमर कम्प्लीटली बाहर निकल आता है। उसका फिर बायोप्सी द्वारा जांच की जाती है कि हाँ ये ट्यूमर का कम्प्लीट ऑपरेशन हुआ है। इस तरह के मरीजों में पोस्ट ऑपरेटिवली यानी ऑपरेशन के बाद कीमोथेरेपी की ज़रूरत होती है, तो वो भी हमारे मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में एक अच्छी टीम उपलब्ध है। इस तरह से एक ही जगह पे हम सारे तरह के यानी जांच, ऑपरेशन, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी की सुविधा हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में हमने कई इस तरह के कैंसर के, आंतों के, अग्नाशय के ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए हैं और मेरी ये सलाह है कि ट्यूमर होने पर आप घबराएं नहीं, सही डॉक्टर से सलाह लें और सही इलाज की तरफ अपने मरीज की दिशा दें। धन्यवाद।